हेलो गुड मॉर्निंग्स, एक बार फिर से आप सबके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग में। सो इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा ये वर्ड यूज होता है, वो कौन सा दो वर्ड है? सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो पहला वर्ड है वॉइस, वॉइस। दूसरा वर्ड है साउंड। इन दोनों वर्ड मीनिंग का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, आवाज। वॉइस आवाज, साउंड मीन्स आवाज। बट ये समझना है कि साउंड कब यूज करते हैं और वॉइस कब यूज करते हैं। सो वॉइस वहां यूज करते हैं जहां पर जो है, जैसे लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स ह्यूमन बींग्स, यानी जो आवाज निकलती है, जैसे मान लीजिए आपका और हमारे मुख से जो है आवाज निकल रही है। सो यहां पर हम वॉइस यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर माय वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सो यहाँ पर योर साउंड नहीं बोलेंगे, साउंड कहाँ यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? साउंड। जैसे मान लीजिए ये लाउड स्पीकर है, ये इससे जो आवाज़ निकलती है यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम साउंड का यूज करेंगे। ये जो है टीवी में लगा रहता है, मोबाइल में रहता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो है ये लाउड स्पीकर लगा होता है, उससे जो आवाज़ आती है तो वहाँ पर हम साउंड करते हैं। जैसे मान लीजिए टीवी हो गया, टीवी में जो है लाउड स्पीकर होता है, सो वहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए द साउंड ऑफ दिस टीवी इज नॉट क्लियर। ओके, सो ये था साउंड और वॉइस प्रयोग करने का जो है सही टेक्निक, सही मेथड। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि वॉइस कहाँ यूज करते हैं और साउंड कहाँ यूज करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।